अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बकार जका है और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि औरत अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है कि वो हम मर्दों को जन्नत और दोजक का ट्रेलर दिखा सके। कुदरत इसके ज़रिए हम मर्दों को ये दिखाना चाहती है कि देख लो भाई, जन्नत और दोजक ऐसी होने वाली है, क्योंकि ईजी गोइंग मर्दार बीवी या गर्लफ्रेंड एक मिथ है। ऐसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं पाई जाती, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मर्द मौजूद नहीं है जो औरत के अजाब को अच्छी तरह समझ सके जब वो गर्लफ्रेंड या बीवी के रूप में आपके सामने आती है। लेकिन मैंने हम दुखी इंसानियत जानी मर्दों के लिए एक ऐसी चीज़ तैयार कर ली है जिसको देखने के बाद और सुनने के बाद यकीनन सारे मर्द ये कहेंगे कि हम औरत के अजाब को अब कुछ कुछ समझ गए हैं, और उस चीज़ का नाम है बच्चीपीडिया। गर्लफ्रेंड को समझने का सही तरीका, बैक एंड फ्रेंड्स, बच्चीपीडिया। हर बीवी और गर्लफ्रेंड का एक अहम मिशन होता है, नहीं अहम नहीं बल्कि एक ही मिशन होता है कि अपने बॉयफ्रेंड या मियां को चेक करती रहे। तो जितने मर्द हजरात वहां देख रहे हैं, अब जो सिचुएशंस आपको दिखाऊंगा जरा गौर से देख लें, बड़ी काम आएंगी आपके। बेबी, व्हाट वुड यू डू इफ आई डाई? बेबी ऐसी बातें ना किया करो, आई विल बी शैटर्ड। बट वुड यू डेट समवन एल्स? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन क्यों, जब मैं मर चुकी होंगी तो फिर क्या पॉइंट है अकेले रहने का? कोई ना कोई तो चाहिए ना। चलो फिर सोचेंगे उस वक्त की, उस वक्त। अच्छा तो तुम सोचोगे? हाँ। फिर तो तुम उसके लिए स्पेशल चीजें भी करोगे? हाँ। फिर तो तुम उससे शादी भी करोगे? तो प्यार जब उससे करता हूँ तो शादी भी उसी से करनी पड़ेगी। तो जाओ अभी से उसको ढूंढना शुरू कर दो, बिकॉज मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ। आई मीन आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड कि तुम उससे शादी भी कर लोगे। मेरे दोस्त सही कहते थे, तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो, फ्लर्ट हो, फ्लर्ट हो। आई हेट यू। You know, girlfriends have this annoying habit of asking pointless questions. ये questions नहीं होते, ये specially designed torture traps होते हैं लड़कियों के, जिसके through वो कुछ और जानना चाहती हैं आपके दिल का। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी वहाँ अनाड़ी boyfriends बैठे हैं, उनको ये बताऊँ कि इन questions का असल में जवाब देना क्या चाहिए। तो देखते हैं torture trap number one. My bubble gum. Huh? Do you think my friend Iram is hot? Iram नहीं hot. वो जो नाजिश है ना, वो हॉट है। और वो जो उस दिन तुम्हारे साथ आई थी ना, तुम्हारी दोस्त ज़ैनब, उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी यार। What? मैंने तुमसे अपनी फ्रेंड इरम के बारे में पूछा और तुमने मेरी सारी फ्रेंड्स के बारे में अपनी फैंटेसीज खोल दी। You know what? You're disgusting. नहीं बेबी, I swear I was joking. Am I laughing? नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही यार, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था, तुम मेरी Get बात lost. ये वाली तो गई। आपकी गर्लफ्रेंड ना भागे, इसलिए हमेशा ये याद रखें, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपसे ये पूछती है कि मेरी फलानी दोस्त क्या हॉट लगती है, तो इसका एक ही जवाब है, बेबी तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव और हॉट मुझे दुनिया में क्यों कोई लगेगा। टॉर्चर ट्रैप नंबर टू। बेबी क्या सोच रहे हो? बोलो ना क्या सोच रहे हो। कुछ नहीं, बताओ ना क्या सोच रहे हो। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। नहीं वाकई नहीं, देर इज समथिंग गोइंग ऑन, बताओ ना प्लीज। कुछ भी नहीं। अब तो मुझसे छुपा रहे हो ना, बताओ क्या सोच रहे हो। वाकई कुछ भी नहीं सोच रहा बेबी। अच्छा तो अब तो मुझसे शेयर भी नहीं करोगे पहले की तरह? तुम शेयर करते थे मुझसे, शेयर इट विद मी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। यार जब मैच देख रहा हूँ तो मैच ही का सोचूंगा ना, खुद ही अकल लड़ा लिया करो ना यार बेबी। कभी मैं तुमसे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और तुम मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते। How rude! Good hell! गई, ये भी गई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी भी आपसे ये पूछे कि आपके जहन में क्या चल रहा है, बताओ ना, और मैं जानता हूँ कि बाज़ दफा लड़कों के जहन में कुछ भी नहीं चल रहा होता और लड़कियां पूछ रही थी बताओ ना क्या चल रहा है, बताओ ना क्या चल रहा है, तो आपने एक ही जवाब देना है कि बेबी मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने और कुदरत ने मुझ पर कितना रहम खाया है कि मुझे तुम जैसी खूबसूरत और समझदार बीवी दी है। टॉर्चर नंबर थ्री। बेबी बेबी, डज दिस शर्ट मेक्स मी लुक फैट? जान, इट्स नॉट द शर्ट। व्हाट डू यू मीन इट्स नॉट द शर्ट? इट्स नथिंग, छोड़ो ना यार। लिसन, आंसर माय क्वेश्चन, डू आई लुक फैट? जस्ट अ लिटिल प्लम। यू इनसेंसिटिव मोरन, यू जस्ट कॉल्ड मी फैट। आई सेड जस्ट अ लिटिल प्लम। गो टू हेल। ये भी गई। अगर आपकी गर्लफ्रेंड कभी जिंदगी में आपको मोटी लगती है या मोटी हो गई है किसी वजह से और आपसे पूछती है क्या मैं तुम्हें मोटी लगती हूं, तो कभी जिंदगी में आपने नहीं बोलना। इनफैक्ट आपको ये बोलना चाहिए मोटी और तुम
ये तो दो ऐसे अल्फाज हैं और ये बल्कि ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे से इतने दूर हैं जितने काफिर मजे से दूर हैं, समझे? हेलो बेबी। बेबी अब एक हफ्ते तक हमारी फोन पर बात नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि घर पे ना मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं। तो मैं नहीं चाहती ना कि उनको पता चले कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ओ, ओके बेबी, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें क्यों टेंशन होगी? तुम्हारी तो ईद हो गई ना, तुम तो वैसे ही मुझसे फोन पर बात नहीं करना चाहते, और अब तो तुम्हें मौका मिल गया। तुम एक काम करो, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? बेबी, इतनी सी बात पे ब्रेकअप कौन करता है? इतनी सी बात पे थोड़ी कोई ब्रेकअप होता है। इसके लिए तो तुम्हें कोई बड़ी बात चाहिए। क्या मैं उस दिन का वेट करूं कि जिस दिन तुम मुझ पे हाथ उठाओगे और फिर मुझसे ब्रेकअप करोगे? ब्रेकअप टेलीफोन की इजाद जिस भी मर्द ने की है, अगर उस भाई को ये पता होता कि खवातीन इसका कितनी बुरी तरह से इस्तेमाल करेंगी मर्दों को टॉर्चर देने के लिए, तो शायद वो भाई कभी इजाद ही ना करता। और कुछ लड़कियां तो एक्सपर्ट हो चुकी हैं अपने बॉयफ्रेंड को टेलीफोन का टॉर्चर देने में। कैसे? ऐसे। बेबी फोन रखो ना। नहीं बेबी, तुम फोन रखो ना। नहीं जान, तुम रखो ना। नहीं ना बेबी, तुम रखो ना फोन। You know baby, I don't like hanging upon you. Okay baby, चलो फिर मैं जा रहा हूँ यार काम पर। Bye. क्या हुआ? तुमने किस मांगे बगैर कैसे मेरे मुंह पे फोन रख दिया? How rude. बेबी तुमने ही तो बोला था कि रख दो फोन। तुम दुनिया के सबसे insensitive boyfriend हो। Go to hell. अगर ऐसी गर्लफ्रेंड हो तो फिर आपको दोजक में ही चले जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इतना टॉर्चर कौन बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना यह है कि बच्ची मीडिया वाले ये बोलते हैं कि आप में एक चीज़ होनी चाहिए, सब्र। सब्र से बस सुनते जाएं। जितना ज़्यादा बार वो बोले ना कि बीबी तुम रखो, बोलो नहीं जान तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो, तुम रखो। और कहीं कहीं अगर आप ये चाह रहे हैं कि उसको और खुश करें तो किस भी मांग लें, और चीज़ें जितनी आती हैं खाना वाना सब उसे मांगते जाएं, क्योंकि यू नेवर नो कि उसको क्या चीज़ फोन पर सुननी है। हेलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? मैंने ना एक बहुत बुरा सपना देखा है कि मेरा पड़ोसी मेरे घर आ गया और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। तो तुमने मारा नहीं उसे ख्वाब में यार? तुमको ये सब मजाक लग रहा है ना? बेबी ख्वाब ही तो था यार। रियल में भी ये सब होता ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मेरे साथ जबरदस्ती करे इसको लेके तुम इतने कूल हो? तो बेबी तुम अभी क्या चाहती हो कि मैं रात को वो उसके पास जाऊँ और तुम्हारे पड़ोसी को जाकर बोलूं क्योंकि आपने मेरी गर्लफ्रेंड को ख्वाब में आके जबरदस्ती करने की कोशिश की है इसलिए मैं आपको मारने आया हूं? जस्ट लेट इट बी, यू वोंट अंडरस्टैंड। जाओ सो जाओ। जी सॉरी, मैं तुम पे गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं बेबी, तुम स्ट्रेस थी यार, अब जाओ सो जाओ। हाँ लेकिन मेरी नींद उड़ गई है, मुझसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करो ना। वैसे सुबह के 3 बज रहे हैं यार, तुम्हें कल कॉलेज नहीं जाना क्या? नहीं मेरा तो ऑफ है, कोई स्टोरी बताओ ना अच्छी सी। बेबी लेकिन मुझे तो सुबह 7 बजे ऑफिस जाना है ना यार, और अभी कोई स्टोरी भी याद नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब तक मुझे नींद नहीं आ रही ना तुम लाइन पर ही रहना। अच्छा बेबी एक मिनट सिर्फ होल्ड करना। आपकी गर्लफ्रेंड जो है वो तो कुछ देर में जाके इस कंडीशन में सो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि आपकी नींद बर्बाद हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ कि रात को 12 बजते ही या तो सिम चेंज कर लो या फिर अपना मोबाइल फोन साइलेंट पे रख दो, कम से कम आपकी नींद तो अच्छी गुजरेगी। बैक एंड ट्रेंड्स, बच्ची पीडिया। आपको पता है अच्छी लड़कियां कौन